क्या आपने कभी काली किताब की सच्चाई के बारे में कभी सोचा है कि वो कितनी सच हो सकती है? आज हम 21st सेंचुरी में जीते हैं और आज हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल की है कि आज के ज़माने में आप कभी किसी को इसके बारे में पूछते हो तो वो आप पे हंसेगा। परंतु हमारा जो अतीत है उसका क्या? जो हमारे अतीत में बहुत सारे भगवान हो गए और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का भी विनाश किया, बल्कि इतना ही नहीं परंतु हमारे ग्रंथों में भी पूरी शक्तियों का जिक्र है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि एक काली किताब कितनी खतरनाक हो सकती है। काली किताब एक ऐसी किताब होती है जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने रहते हैं, जिसमें आप शैतान का यूज़ करके अपने खुद के फ़ायदे के लिए उनसे कुछ करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे आपको ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि जिससे आप किसी का बुरा कर सकते हैं या फिर खुद का अच्छा कर सकते हैं। पर क्या ये सही है? क्योंकि अपने लिए कुछ मांगना मतलब शैतान से एक सौदा करना है, और शैतान आपको अगर कुछ देता है तो उसके बदले में वो आपसे कुछ लेता भी है। सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप कभी कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो ऑथर होता है उसके बारे में आप जानते हैं या फिर आपने कहीं पढ़ा हुआ होता है उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत फेमस या फिर सर्टिफाइड आदमी होगा या फिर जिसकी बुक बहुत ज़्यादा बिकती होगी, मीन्स के टॉप मार्केट में उसका नाम होगा। तो उस बुक में जो भी लिखा हुआ होगा उसकी सारी बात को आप भी मानोगे, क्योंकि उसके बारे में आपको पता है कि वो एक सर्टिफाइड पर्सन और वो जो भी लिखेगा वो सही लिखेगा। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं। पर आज तक हमने जो काली किताबें आज तक देखी है उसके ऑथर हमेशा अज्ञात रहे हैं और उसके बारे में हमें आज तक कुछ भी नहीं पता कि इन बुकों को कितने टाइम में लिखा गया है और किसने लिखा है और कैसे लिखा है। पीयर रिव्यू। दूसरी चीज़ ये है कि हम सभी जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई पुरानी किताब या फिर कोई माइथोलॉजिकल चीज़ मिलती है तो सबसे पहले उसे एक एक्सपर्ट को दिखाया जाता है और उनसे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है कि ये किताब वाकई में सही है या फिर ये चीज़ वाकई में सही है। पर ज़्यादातर ऐसी काली किताबों के बारे में कोई एक्सपर्ट ये नहीं कह पाता कि ये काली किताब सही हो सकती है या नहीं, बिकॉज कि उन पुराने ज़मानों के जो वर्ड होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो जैसे लिखते हैं, वो आज तक हम कभी इतना ज़्यादा नहीं समझ पाए कि जिसकी वजह से हम उस पूरी किताब को डिकोड कर पाए। तो फ्रेंड्स, लास्ट में तो मानना या ना मानना ये चीज़ हमारे ऊपर ही आती है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कभी ऐसी काली किताब देखी है या फिर उसके बारे में सुना है, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।